तुर्की पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले भूकंप ने यहां पर भीषण तबाही मचाई, अब यहां पर बाढ़ तबाही मचा रही है। आपको बताएं कि तुर्की में बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की के दो प्रांतों में मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी कारों और मलबे को बहा कर ले जा रहा है। कुछ इमारतों के बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर तक में पानी घुस गया है, जिससे सेंट्रल सनी लोअरफा में सड़कें नदियों में बदल गई है। तुर्की के आपदा प्रबंधन के मुताबिक लापता लोगों और इमारतों में फंसे लोगों की तलाश और बचाव की कोशिश की जा रही है। बीते 24 घंटों में प्रभावित प्रांतों में 100 मिलीमीटर प्रति वर्ग मीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। करीब 20 लाख लोगों के घर पिछले महीने के भूकंप से प्रभावित हुए थे, जिसमें तुर्की में 48,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हुए थे। हजारों लोग टेंट और कंटेनर से बने घरों में रह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बाढ़ ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। एक कंटेनर जिसमें 3 भूकंप पीड़ितों को रखा गया था, बाढ़ के साथ बह गया है। तीनों की तलाश की जा रही है।